इसने बुलाया था अपनी तरफ। हालांकि दी अफ्तारी की दावत थी, लेकिन अफ्तारी से पहले पहुंच गए हैं। तो ये कमरा है, अंदर को पता ही नहीं है कि मैं आया हूँ। मैं अंदर एंट्री मारने लगा। ये लेटे पड़े में अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? आ गया हूँ। और सुना कैसा? सुना तू सर, क्या हाल है आपका? मैं शुक्र अल्लाह का। और क्या कर रहे हो? बस यार, तेरा दरवाजा खुला हुआ था नीचे से, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं आ गया। और सुनाओ, सब सेट? सर उठ के बैठ जाओ, लेटे हुए आप। और सुना यार, नाम मसा लिए सारे किधर? लाइट लगवाई है स्लाइड में, था कमरा फुल। इसकी अलग ही लुक है स्लाइड की, ये देख लें। दूसरी बंद कर दी है, लेकिन इस स्लाइड की अलग ही लुक है। और यार, हम कब लगवाई थी ये लाइट? सर दो दिन ही हो गए। वैसे अच्छी लग रही है, सही है। इसके पास आते हैं, से पूछते हैं इसके रोजे कैसे गुजरने और इसकी जिंदगी कैसी जा रही है, अभी ये हमें बताएगा। हाँ जी बताओ। यार साल बाद खाता रोजे सारे जा रहे, शुक्र अल्लाह का। 6 साल हो गए, मैं सारे रोजे रह कर पूरी भाई इसके पास आया हूँ तेरे सामने। तू आया भाई, मैं कोई बात नहीं, कोई गाली की लोच नहीं, आराम से बैठा हूँ। ना तुझे पता, शैतान हमसे दूर हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब इन्होंने तो बता दिया। और पिछला साल कैसा कोरोना में गुजरा आपका? पिछला साल यार बड़ा खतरनाक रहा है। इस साल भी कुछ ऐसी असरात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना है। बस पेपर कैसे करवा दो भाई, अपने ब्लॉग नीचे ये लिख दे। मैं पेपर क्या कहते हैं यार, वो नहीं चल रही है, कैंसिल लिख दे, हैशटैग कैंसिल लिख दे। चलो इनसे पूछते हैं। ओके जी, शुक्रिया। अब हम आराम के पास आते हैं। इसकी इसका हुआ था एक्सीडेंट, कौन सी लात हुई थी बताइए? ये वाली लात, इसकी इस वाली लात पे चोट लगी थी, मतलब टूट ही गई थी। तो माशाल्लाह से चल फिर रहा है, रात डले। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत अच्छा जा रहा है। इस टाइम बड़ी नींद आ रही है वैसे। ये ऐसी शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। और नमाजें 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 अल्हम्दुलिल्लाह भाई 5 वक्त 7 तरावी। मगरिब का इंतज़ार तो हर कोई कर रहा है वैसे। और अब हम सारे ना इंतज़ार कर रहे हैं मगरिब की नमाज का, यानी अजान का। अभी इस टाइम टाइम हो रहा है 6 बजने में, 10 मिनट हैं 6 बजने में। और अफ्तारी का कैसा लगा मेरा मजाक? ये लो जी, अरम साहब ने अफ्तारी की दावत भी दे दी है। अब आगे देखते हैं। बताओ रमज़ान हमें, मतलब क्या इसके वो रमज़ान की ना बहुत ज़्यादा वो है, फजीलत है रमज़ान में। आप जिस बंदे को देख लो जो बंदा नमाज नहीं भी पढ़ता, वो भी नमाज पढ़ने को। ये तो बात है। तो भाई रमज़ान आता है सबके लिए बहुत खुशियाँ। उसके बाद रमज़ान में हम एक तो हम रोज़े रखते हैं इतने, और रोज़े रखने के बाद हमें एक गिफ्ट मिलता है अल्लाह की तरफ से, वो है ईद। तो ईद की खुशी, उसके अलावा ईद की खुशी में बहुत लोग बैठे होते हैं। उसके अलावा ये रमज़ान का ना सबसे एक दिन में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होता है वो ये अफ्तारी का होता है। वो अफ्तारी पे इनवाइट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में मोहब्बत बढ़ती है, आते हैं इकट्ठे बैठते हैं, खाना पीना है। और रमज़ान में तो यही है कि आए दिन उसके बाद रात को नाइट क्रिकेट सहरी तक। तो दोस्तों के साथ भी ऐसे मिलाओ जुलाओ होता रहता है। जो मदद करनी चाहिए रमज़ान में, ज़कात वगैरह, वो तो भाई करनी चाहिए। रमज़ान रोज़े का मकसद ही भाई मेन ये है कि आपको पता चले जो गरीब लोग हैं वैसे किस तरह रहते हैं। आपको आपको इस आपके दिल में चीज़ का एहसास आता है रोज़ा रख के कि यार जो गरीब लोग हैं वो उनका दिन कैसे गुजरता है, इतना भूख प्यास बर्दाश्त करेंगे। तो इसके से आपके दिल में ये आता है कि यार हम उनको भी देना चाहिए, उनके साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। रोज़े का असल मकसद ही यही है। ये सही है। अब हसन बैठे हैं, तो अब हम हसन से पूछते हैं। मैंने उससे तो पूछ लिया कि यार रमज़ान की क्या तैयारी, ईद की क्या तैयारी, ईद का बता, क्या शॉपिंग हुई है कि नहीं? ईद की यार ये तैयारी है कि अभी तो शलवार कमीज का कपड़ा लेके आए हैं, सारे एक जैसा लेके आए हैं। कौन कौन के सारे कौन कौन किस किस ने? इनाम है, अरकम है, हमें हसन है, तू उसने सारी दूध है और साल है
सब एक जैसे कपड़े लेके आए हैं, उम्मीद है कि सब पहनेंगे एक जैसे, मगर अभी तक तो यही तैयारी। पैंट शर्टों का बता रहे थे आप? पैंट शर्ट यार, पैंट शर्ट का तो कोई इतना नहीं है, क्योंकि अभी तो हम सोच रहे हैं कि शर्टें भी एक जैसी लेके आए, शूज वगैरह सारा कुछ सेम हो, मगर अब सबके ऊपर है ना, अगर एक साथ जाएंगे तो सारे एक जैसी शॉपिंग करेंगे। मगर ईद इनको मैंने सबको कहा है कि यार ईद इकट्ठे पढ़नी है, तो अब देखो क्या होता है, इंतजार है हमें ईद का। छोटा सा ब्लॉग था, या तो आप इसको कोई अच्छी बात करें रमज़ान के वाले से, नहीं रोज़े सॉरी अफ्तारी की दावत दी थी और इसके हसन के घर मेहमान आए हुए, तो अब मैंने इसको यही कहा कि यार आज नहीं तो फिर कल का रख ले। दिल तोड़ दिया इन्होंने आज, बहुत वेट किया था कल का रख ले, अगली दफ़ा यार, अगली दफ़ा कल, चलो कल पे डन रख लेते हैं। और बाकी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताएं हम क्या कर रहे हैं, मतलब रमज़ान की कोई छोटी सी नेकी की बात आपको बताइए, बाकी ईद की बताइए आपको। ऐसे अब जो अगला व्लॉग होगा वो ईद पे होगा, ईद स्पेशल व्लॉग, उसके नाम से व्लॉग निकालना मैंने। Oh my God! वो व्लॉग आप लोग देखेंगे, उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगेगा। बाकी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।